अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों आज चूंकि पूरे कोयटे में बसंत डे को मनाया जा रहा है, मैं सोचता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस दिन को नौजवान तबके भरपूर और जोश के साथ इस दिन को मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने के क्या फ़वाद है और इससे क्या नुकसान है? फ़वाद तो बहुत बेशुमार है लेकिन नुकसान बहुत कम है। नुकसान ये है कि काफ़ी लोग छतों पर मौजूद होते हैं, अपने ज़िंदगी का परवाह नहीं करते हैं, मतलब जो भी पतंग आता है उनको हासिल करने के लिए भागदौड़ करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। और मज़ीद हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि इस दिन को किस तरह वो मना रहे हैं और कितने रुपये खर्च किए हैं इस दिन के लिए, और काफ़ी लोग इस दिन को मनाते भी नहीं हैं। इस दिन का मनाने का फ़ायद यह है कि इससे इंजॉय होता है, काफ़ी दोस्तों के साथ उठना बैठना होता है और दोस्त लोग पतंग उड़ाने में अपना वक्त और कीमती वक्त न्यू से लगा लेते हैं, इंजॉय करते करना भी चाहिए। हमारे साथ कुछ दोस्त भी, हम उनसे इंटरव्यू कर लेंगे, पूछते हैं कि इस दिन को वो किस तरह मना रहे हैं। अब इस दिन को मनाए, इंजॉय भी करें लेकिन एक लिमिट के साथ। काफ़ी लोग इस दिन को मिस रोडों पर होते हैं, छोटे छोटे बच्चे पतंग हासिल करने के लिए भागदौड़ करते हैं, अपनी ज़िंदगी का परवाह नहीं करते, उसको उनको मुसीबत का सामना भी करना हो सकता है। आइए हमारे साथ कुछ दोस्त, उनसे पूछते हैं बच्चे में कोई मना रहे, आप इस दिन को कैसे इंजॉय कर रहे हो? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हो? यहाँ पे हम लोग आए हुए कोयटा में, सारे लोग पतंग उड़ा रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, हमारे और दोस्त भी आए हुए। अच्छा, क्योंकि सब यहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं। आपने कितना खर्चा किया आज पतंग लेने के लिए? आज मैंने, मेरे कुछ दोस्त उधर ऊपर है, हम लोगों ने 5000 रुपए की पतंग और किमिकल ये लिए। अच्छा, हमारा दोस्त एक ग्रुप ऊपर है उधर पतंग उड़ा रहे। और नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हो कि यूथ को इस दिन को मनाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मनाना चाहिए। ये तो अगर आजकल के जितने भी नौजवान लड़के हैं वो पबजी खेल रहे हैं, कोई ऐसे काम कर रहे हैं जो वो लोग, उन लोगों के बदन जो है वो सुस्त हो गया। जी जी, ये तो मिसाल के तौर पर एक तरह प्रैक्टिस है। बिल्कुल बिल्कुल, इस वजह से अगर ये मनाए तो इसमें एंजॉय भी बहुत है, मज़ा भी बहुत आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। दोस्तों आपने देख लिया, ये दोस्त बता रहा था कि इस दिन को मनाना चाहिए और काफ़ी लोग मना भी रहे, और इसका कहना है कि काफ़ी लोग पबजी खेलते हैं और सुस्त रवि का शिकार होते हैं। अब इस दोस्त ने 5000 तकरीबन खर्चा भी किया है, अब मुख्तलिफ है, अब देखो एहतियात भी करना चाहिए लोगों को। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये आप पतंग देखो, मे भी कितने का होगा, लेकिन हर तरफ फायरिंग भी हो रही है, लेकिन एहतियात करना चाहिए। और काफ़ी दोस्तों के पतंग बहुत ऊपर है और बहुत ज़्यादा पैसे भी उन्होंने खर्च किए हैं, तो आपको मज़ीद हम दिखाएँगे जो कि सारे छतों पर मौजूद है और उनसे पूछते हैं और यहाँ के लोग इस दिन को कैसे मनाते हैं और यहाँ इस दिन को मनाना चाहिए नहीं, क्योंकि इस दिन को मनाना चाहिए, खुशी का इजहार है, सारे लोग इस दिन को तरीके से इंजॉय भी कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ छतों के ऊपर है। और याद है कुछ छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं और हम बच्चों से पूछते हैं, आप पतंग उड़ा रहे हो? पतंग उड़ा रहे हो? हाँ, पूछ वाला पूछते हैं और यहाँ काफ़ी मौजूद है। आप ये बताएं कि आप पतंग उड़ा रहे हो, कितने पतंग आप चले गए? कम से कम 100 चले गए। आपने कितने खर्चा किया आज? 45-40 आज कितने आप उड़ा लिया? और आपने कितने के कुछ बागड़ होते हैं, मतलब पतंग गिर जाता है अभी उनमें शामिल होते हो? नहीं, अपने पैकेट से अपना रहते हैं। कितने दोस्तों आप लोग एंजॉय कर रहे हो? 11-12 दोस्तों मिलकर 40 खर्चा किया है। और हमारा यूट्यूब क्या पैगाम देना चाहिए कि पतंग उड़ाना चाहिए कि नहीं? बस एक शौक, एक दिन आता है उड़ना चाहिए, हर दिन तो नहीं आता है, सब एक दिन आता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, बता रहा था इसको मनाना चाहिए क्योंकि ये खुशी के दिन है, पूरे पाकिस्तान के अंदर इसको मनाया जाता है। और यहाँ मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ काफी लोग, काफी लोगों के बड़े पतंग मौजूद है जो बहुत महंगे, अभी दोस्त ने 40 खर्चा किया आज का दिन, और कुछ दोस्त है मजीदी वीडियो हम करेंगे, लेकिन तो काफ़ी खतों पर लोग मौजूद है, आपको चना करना समझ लगता है। तो दोस्तों ये लोग बसंत देखो एक भरपूर खुशियों के अंदाज से मना रहे हैं। दोस्तों हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है जो एक पतंग हाथ में लिए हुए, आज आपने कितने खर्चा किया आज पतंग देख का दिन है, पतंग देखा कितने खर्चा किया आपने? 50,000 उड़ा लिया। कितने दोस्त आप? तकरीबन हम लोग 45-40 हो गए। 45 हो गए, मिलते हज़ार जमा करके 5,000 पेटम किया। अच्छा, तो सब लोगों ने एक दिन अपना मेला बनाया। अच्छा, आपके कितने पतंग चले गए? तकरीबन 100-200 चले गए, 200 के करीब, 200 करीब, 300 आए थे, अभी 100 बचे हुए। आपने भी कुछ पकड़ लिया है वैसे? नहीं, पकड़ने के लिए नहीं आए, बस एंजॉय कर रहे हो। नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हो? एहतियात नहीं करते पर बातें पतंग उड़ती हैं। लोग खुशी तो लोग होना चाहिए कि लोगों को ख्याल रखे, लोगों को छोड़ नहीं चाहिए पे। अच्छा, तो कसूर के लोगों को नहीं है बेचारे, मासूम क्या करे? कोई वालों को क्या पैगाम देना चाहते हो? ये लोग इस दिन को मनाए कि नहीं मनाए? एक दिन क्या करे, बस लोग इसको मनाते नहीं है, मतलब एक पैगाम देना चाहिए, जैसे छोटा करता है ये भी एक जश्न है, सब लोग ने मनाना चाहिए यार। अच्छा, और कोई पैगाम देना चाहोगे? बहुत बहुत थैंक्स भाई, ये थे हमारे दोस्त, बता रहा था कि इसको जरूर मनाना चाहिए। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बच्चे उनसे पूछते हैं, पतंग उड़ा रहे हो आप? पतंग उड़ा रहे हो? कितने पतंग आप चले गए? चले गए, कितने पकड़ लिया? मैंने एक दाना भी नहीं पकड़ लिया। कितने खर्चा किया आज?
तो दोस्तों ये देख रहे हो काफी लोगों ने 50,000 से प्लस खर्चा किया है और ये दोस्त बता रहा है मैंने 5,000 से खर्चा किया है। यकीनन पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी, क्योंकि खुशी का समय है और हर तरफ रौनक ही रौनक है और लोग इस दिन को उस अंदाज से मना रहे हैं जैसे कि ईद जैसे जश्न का समय होता है। तो काफी लोगों से हमने इंटरव्यू किया और उनकी तबसरा आपने देख लिया। अभी मजीद इंशाल्लाह एक दोस्त है उनका भी इस हवाले से कुछ सवाल उनसे पूछेंगे और यार छोटे छोटे बच्चों का खास ख्याल भी रखना चाहिए अगर आप कहीं से भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हो पाकिस्तान के किसी भी कोने से हो। और यार देखो मासूम बच्चे आते हैं तो ये लोग अपने कोई पतंग मिल जाता है तो उसके लिए भागते हैं, भागना नहीं चाहिए। और यार लोग देखो मुख्तलिफ अंदाज से और खुशी है लोगों के अंदर, जज्बा है लोगों के अंदर, के मोटिवेशन है कि इस दिन को लोग मनाए और मना भी रहे। और उनका पैगाम ये है कि इस पूरे इस दिन को सारे कोयटे वाले सारे बलोचिस्तान वाले मनाए और काफ़ी फायरिंग भी हो रही है आसपास और लोग खुशी को भरपूर तरीके से मना रहे हैं। बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह, अपना रखिए ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यार आप देख रहे हैं एक बच्चा के हाथ में एक डोरी है और ये जो बच्चा है अपने पता नहीं इसका भाई भी हो सकता है उसकी हेल्प कर रहा है। दो बंदे एक पतंग उड़ा रहे, बहुत मुश्किल होता है पतंग उड़ाना लेकिन खैर लोग इंजॉय कर रहे हैं। और आप क्या पैगाम देना चाहो गोयटे वालों के लिए? ये दिन सबके लिए है ना। अच्छा, सब एंजॉय करें, ये साल में एक दफा आता है ना। अच्छा, कि लोग सब एंजॉय करें। काफ़ी लोग खर्चे से डर जाते हैं, क्या वाकई इस दिन को खर्चा करना चाहिए? जी बस साल में एक दिन आता है, ये इस दिन में 10,000-20,000 खर्चा करें। अच्छा, और कोयटे वाले छोटे बच्चे जब पतंग गिर जाता है उसके लिए भागते हैं, क्या वो उनको भागना चाहिए कि नहीं? नहीं, वो हिफाजत करें अपने आप का। अच्छा, आपने कितने पतंग उड़ाए? मैंने कम से कम 20 उड़ाए। 20 उड़ाया है जी। पकड़ किसी कोई भी नहीं पकड़ा? नहीं, मैं पकड़ता नहीं, मैं सिर्फ उड़ाता। बहुत बहुत थैंक्स। देखो व्यूअर्स सारे दोस्त ये बता रहे हैं कि हमने काफ़ी खर्चा किया और खर्चा भी कर रहे हैं और खर्चा करना भी चाहिए इसलिए क्योंकि ये खुशी का दिन है, कभी साल में एक दफ़ा आता है तो ये लोग बहुत खुशी का दिन है, अभी बहुत मजा कर रहा है। और देखो अक्सर लोग भागते हैं पतंग के लिए, जी जी, उनको मुसीबत का सामना भी हो सकता है, उनके लिए क्या पैगाम है? भागे नहीं भागे पतंग के, कोई पतंग गिरता है? लोग ये पैगाम देते हैं हम लोग भी कि वो लोग वो एहतियात से अपना वो पतंग उड़ाए और अपना जो है पतंग जो उड़ाने का तरीका थोड़ा एहतियात से करें। क्या एहतियात है? अपने हाथ में ये क्या लगाए हुए? ये तो पट्टी है, अभी पतंग उड़ा रहा था बस, वो खतरा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। ये थे हमारे दोस्त जो बता रहा था कि पतंग उड़ाने की कुछ नुकसान भी, आप देखो इसने पट्टी अपने बात पर बांधा हुआ है और ये इसलिए क्योंकि ये बहुत सख्त होता है, केमिकल है, केमिकल कभी कभी इंसान को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। और हमारे साथ काफ़ी दोस्त मौजूद थे और यहाँ आप देख रहे हो छत पर और आसमान इस वक्त सारे लोग पतंग उड़ा रहे हैं और आसमान में सारे पतंग ही पतंग है और लोगों के अंदर एक जोश है जज्बा। और हमारे साथ एक हमारा कदम मौजूद है, उनसे पूछिए चश्मत, आप ये बताइए कि आप भी पतंग बना रहे हो कि पतंग देखो बना रहे हो कि नहीं? हाँ नहीं, मैं बना रहा हूँ। अच्छा, इंजॉय भी हो रहा है, आप तो देख रहे हो कितना रश है, इस दिन बहुत खुशी का दिन है, जुम्मा नमाज पढ़ के हम फौरन छत पर आ गए और पतंग उड़ा रहे हो। अच्छा, आप कितने पतंग चले गए आपके हाथों से? तकरीबन 2 चले गए और हमने 3 पकड़ लिए। अच्छा माशा, बहुत बहुत शुक्रिया छपी मामा। ये थे छपी मामा, जो मेरा कजन भी बता रहा था कि हमने पतंग 3 पतंग हमसे चले गए और 2 पतंग हमने हासिल किए। अब ये जो दिन है बसंत है न कि क्वेश्चन है, कोई पूरे पाकिस्तान के अंदर इस दिन को मना रहे हैं, और के अंदर कराची, हैदराबाद, बड़े बड़े शहरों में इस दिन को मनाते हैं और भरपूर लोग इन्जॉय भी करते हैं। और यहाँ मैं आपको जूम करके बताता हूँ, चलो ये लोग हैं, अब ये देखो कैसे इन्जॉय कर रहे हैं और रोडों पर भी लोग इन्जॉय कर रहे हैं। रोडों पर अगर कोई पतंग गिर जाता है तो वो उसी को उठाने में भरपूर कोशिश करते हैं। कमिया से लो दोस्तों, अगर यहाँ कोई पतंग गिर जाता है तो काफ़ी लोग इसको उठाने के लिए बाग डाउन करते हैं। अब यहाँ दोस्तों हमसे पूछते हैं, दोस्तों ये जो लोग पतंग पर खड़े हैं ये आपको नज़र आ रहा है, ये लोग पतंग देखकर इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे भी है, देखो ये छोटा बच्चा जो पतंग केमिकल को जमा कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे हो आप? ये छोटा बच्चा है जो घबरा रहा है बात करने से। और हमारे साथ कुछ दोस्त उनसे पूछते हैं कि पतंग देखो कैसे इन्जॉय कर रहे हैं ये